कहता भी मैं दवाई लैके आना आप दोनों इकट्ठे खावे इन्हें तो खानी नहीं मेरे घर वाले ने तो उन्हें खाधी नहीं मेरी जाती जाती कुड़ी कह गया कि इन्हें संभाल ला तेरे डैडी फोन कर। खबर लेने गिदड़बाह तो दो बच्चों की माँ दे सी 3 साल तो प्रेम संबंध प्रेमी के विआह वाले दिन प्रेमिका ने जहरीली चीज़ निगल के की आत्महत्या। पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज करके अगली कार्रवाई कर दी शुरू। स्थानिक शहर गुरु नानक नगर की एक व्याहता औरत ने जहरीली चीज़ निगल के खुदकुशी कर ली है जबकि इस औरत की 18 साल की बेटी तो 16 साल का बेटा है। इस औरत के पिछले 3 साल तो एक नौजवान नाल नजायज संबंध सी। इस औरत नू जदों अपने प्रेमी दे व्याह बारे पता लगा तो यह परेशान रहन लग पई जिसके चलदे उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने लाश कब्जे विच लैके प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज किया। लाश का पोस्टमार्टम करवा के वारसां दे हवाले कर दिता। इस संबंध च की गल हुई है आओ सुनते हैं। मामला जी इस तरह है एक सुमन सोनी नाम की इत्थे औरत सीगी विआही वेरी शादीशुदा उदा हसबेंड है राजकुमार सुनियार का काम करता है उदा दोस्त ही दविंदर लवली घर इन्हों के नेड़े नेड़े ने आन जान से इन्हों का काफ़ी 3-4 साल तो आपस घर के आन जान से तो हसबेंड तो फिर बहर अंदर रहा काम उतन का उस तो बाद ने पत्नी नाल कोई हो गए संबंध जी तो उन्होंने नहीं पता लगा जी ये कहता सी भी कोई नहीं मैं होर शादी नहीं करवा कि तो बिना होर लड़की शादी नहीं कराऊंगा भी इस करके उन्हें फिर बुधवार 25-11 बुधवार एंगेजमेंट करा ली आपकी सरसे तो यू दुख लग्या भी इस तरह मेरा किया है तो इस करके इन्हें कोई दवाई खा ली आ परसों 28 तरीक न जहरीली दवाई खा ली सी तो बठिंडे दाखिल लैके गए इन्हें तो बठिंडे कले की मौत हो गई है। की मामला दर्ज किया गया? मामला जी लड़की जी मरण वाली है सुमन सोनी वो बेटी के बयान से अभी 306 का मुकदमा दर्ज किया जी इतने दविंदर लवली के खिलाफ अज पोस्टमार्टम करा रहे सिविल अस्पताल। गिरफ्तारी कोई हाँ गिरफ्तारी नहीं जी वो अं कल भी कोशिश की गिरफ्तार कर दी पर मिले नहीं घर वह बंद है जी। मेरा नाम राजकुमार है जी मेरे घर वाले का नाम सुमन राणी सी जरा लवली है जी ये 3-4 साल तो साढ़े घर आना जाता सी इनका विआह आने वाला सी इन्हें यह संबंध बना सी इस करके कहता भी मैं दवाई लैके आना आप दोनों इकट्ठे खावे तो इन्हें तो खानी नहीं मेरे घर वाले ने तो उन्हें खाधी नहीं जी मेरी जाती जाती कुड़ी कह गया कि इन्हें संभाल ला तेरे डैडी फोन कर। कि टाइम हो गया मैरिज में? 2001 च हुई सी। किन्ने बच्चे? कि 2 बच्चे। किन्ने सालों में? हाँ जी किन्ने सालों में? गुड़ी हैगी 18 साल की जी मुंडा है 16 साल। की कार्रवाई कराई? कार्रवाई बस यही परचा हो जी मैं गरीब बंदा मैं सोच की मेरा तो घर ही जुड़ गया सही गल पेंद्र जी मैं गंगा नगरवान लड़की का पापा लड़की का पहले फोन आया मेरे को 1 बजे सवेरे मैंने कहती पापा साड़ी सैटिंग करा दो कितने काम की राजू को काम है नहीं राजकुमार को मैं क्या थोड़ी मैं सैटिंग कराती गुरु साहब कहते कोई नहीं पापा मैं कपड़े धो लवा सवेरे जाने रहेंगे ठीक है 2:30 बजे मेरी दोती का फोन आ गया कहते पापा वो अपने रिजर्वली आ रहे थे ना वो मम्मी ने गोलियां दे के तो मैं इन्हें कह गया क्या तेरे पापा ने फोन कर दे संभाली जाती संभाल लो बचाई जाती बचा लो वो तो मैं इन्हें गल सुन के चल गया बठिंडे मैं पहुँच गया बठिंडे लड़की ने कोई गल नहीं उसकी मेरे क्योंकि वे उससे सवेरे डेथ हो गई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮਾਮਲਾ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਪਾ ਨਿਕਲਿਆ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਸਰਦਾਰ ਲੋਲੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਮੰਮੀ ਦੀ ਟਿੱਕਾਂ ਆਈਆਂ ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਬਾਲਟੀ ਬੁਲਟੀ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵੱਗ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਬਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਚਾ ਲਓ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੈ ਹੱਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ? ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਪਿਆਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ ਕਾਲੇ ਜਾਦੂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਤਾਂਤਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 90 244 70 842।